फिलोसोफर मार्सल प्रूस्ट ने कहा है कि हम अपने मृत्यु का समय कभी नहीं जान सकते, परंतु जब हम ये कहते हैं, हम उस समय की कल्पना अस्पष्ट रूप से करते हैं। हम यहां जमा हुए हैं मैथ्यू के परिवार और मित्रों को दिलासा देने। आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपका सेलफोन अभी भी चालू है तो उसे कृपया बंद कर दीजिए। किसी के भी मृत्यु का समय उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ऐसे होनहार नौजवान के जीवन को इतना छोटा कैसे उचित मान लें? आखिरकार तय है हम सबके मृत्यु का समय। वो अचानक ही चला गया अस्पष्ट और धुंधली असाध्य वास्तविकता की ओर। इसके अलावा हम यहां जमा हुए हैं मैथ्यू बर्ड के जीवन को याद करने, और ऐसा करते हुए मैथ्यू को जानते हुए वो यही चाहेगा कि आप सब भी ऐसा ही जीवन जिए जैसा वो जीता था, अपने पूरे उत्साह के साथ। जब कभी अवसर आपके सामने आए, आप संकोच ना करें, ना ही डगमगाएं, समय के साथ समझौता ना करें। यहां केवल आज है। बाद में मिलता हूँ। जब तक चाहो रुक सकते हो, मैं लोरेन के यहाँ जा रही हूँ। तुम अभी वहाँ जा रही हो? क्यों? उसने मुझे बुलाया है, वहाँ कोई फैमिली इमरजेंसी है। कहीं उसका परिवार उसके बारे में जान तो नहीं गया? हमेशा उसे नीचा क्यों दिखाते हो? क्योंकि मैं शायद ये भूल नहीं सकता कि उसने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है। बाय। अरे मैं तो सिर्फ मजाक। ओ मेरा सूट, जरा संभाल के। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ये एक जोक था। अब छोड़ो भी, इतना नाराज मत हो। आई लव यू। I love you. Bye. 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 Hi. Hello. Hey. Hey. कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पीने के लिए कुछ मंगाया है। अच्छा किया, मुझे चाहिए भी। आ रहा है। Hey, Zach. Hey, Bryce. कैसे हो? कैसा चल रहा है? मैं बढ़िया हूँ, काफी समय बाद मिले हम। हाँ, काफी समय बाद, अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम भी। ये लीजिए। ये खत्म हो तो प्लीज दूसरा पैक ले आना। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा कोक हनी। थैंक्स डेजी। कोक पियोगे? सिर्फ 22 दिनों के लिए। वाह, कमाल है। हाँ, ये एक छोटा सा फर्क है शराबी और शौकिया लोगों में। ये उसे मिटा चुका है। वाओ, सुन के अच्छा लगा। मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी जैक, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। वाओ, सही सुना। और तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं। लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, पर कुछ सीरियस नहीं है। मैथ्यू के लिए। हाँ, मैथ्यू के लिए। यकीन नहीं होता वो नहीं रहा। दिन के वक्त कोई इंसान बिना पिए बस के नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जब तुम्हारा वक्त आ गया, समझो आ गया। यही जिंदगी है। एक मिनट तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक बूम, वो आपकी खोपड़ी के टुकड़े निकाल रहे हैं बस के आगे के हिस्से से। देखो, मुझे नहीं लगता कि वो एक हादसा था। तुम कहना क्या चाहते हो? वो कुछ दिन पहले उसने मुझे एक फोन किया था। वो बहुत उदास था। अच्छा। कुछ बड़बड़ा रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कहा कि वो जनवरी से काम के लिए बाहर गया था, उसके घर में तोड़फोड़ हुई और पैसे मांगने वाले उसे तंग कर रहे थे। तो उसने तुमसे पैसे मांगे थे? उसे पता था मेरे पास नहीं है। देखो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा अगर उसके पास सुसाइड नोट मिले। ये कौन है? यार, ये यहाँ कैसे? ये यहाँ कहाँ से? तुमने उसे यहाँ पर बुलाया है? दरअसल हम लोग एक साथ काम करते हैं। तो तुमने उसे फ्यूनरल में क्यों नहीं बुलाया? दोस्तों, कैसे हो? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हें देख के खुशी हुई। दोस्त, तुम कैसे हो?
Hey. मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? बड़े लंबे समय के बाद, क्या घड़ी है? सच में तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक्स, मेरे डैड वैसे काफी खुश नसीब हो तुम। बड़े लंबे अरसे के बाद हम मिले। हे, तुम सब अपना ईमेल आईडी मुझे जरूर देना। रीयूनियन प्लानिंग कमेटी में हूँ मैं और मेरा काम है सभी का पता लगाना। हाँ, तुम जानते हो ना वो 3 साल बाद है। ओ हाँ, मैं जानता हूँ जानता हूँ। तुम्हें पता है मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि मैं कल पर कोई काम नहीं छोड़ूंगा, जो आज कर सकते हो आज ही करो। मैं सब अच्छे से करना चाहता हूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये अक्टूबर चल रहा है नवा। समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो तुम 3 साल तक रीयूनियन प्लान करने के अलावा और क्या कर रहे थे? Well, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट? हाँ, मैं तुम्हें अपना कार्ड दिखाता हूँ। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो ये सब करना पड़ता है। ये खुद को मार्केटिंग करने की अच्छी स्ट्रेटजी है, मुझे पसंद आई। मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो, मुबारक हो जैक। और हाँ, मेरे पास कुछ अच्छे घर हैं जहाँ तुम नई शुरुआत कर सकते हो। अच्छा, फिलहाल तो जरूरत नहीं है नवा। अच्छा, तुम्हें कोई शादी के लिए लड़की मिली? हाँ, मिली तो थी और मैं उसके बारे में काफी सीरियस भी हो गया। वैसे लोग सच ही कहते हैं कि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है। अब इसे ही देखो। तुम्हारे लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वापस हाई स्कूल में आ गए हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अमीर डैड तुम्हारी शादी होने के बाद ही तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो अब नहीं रहे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। माफ करना। हाँ, तुम्हारे डैड के पास काफी पैसे थे। मेरा मतलब है वकीलों के साथ और संपत्ति के मामले वगैरह वगैरह। जानते हो, रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा सबकी नजर तुम पर बनी हुई होती है। मैं यही कहता हूँ मेरे हर क्लाइंट को, वो जब भी मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ कि जब तक कोई बड़ी बात ना हो जाए मेरे पास बिल्कुल मत आना। अब होशियारी से पैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से कमाए जाते हैं और ये रहा मेरा कार्ड। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कॉल करो। थैंक्स दोस्त, मैं जरूर कॉल करूंगा। मुझे कॉल करोगे ना? ओके ठीक है, तो अब मैं निकलता हूँ। अभी तो दूसरा पैक भी आना बाकी है। मैं पी चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा। अच्छा सुनो, अगर तुम लोग कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो तो फिर ये कैसा रहेगा, बस इसके लिए हमें थोड़ा बाहर जाना होगा। सच कहूँ तो हमारी बातों का जो भी कंक्लूजन निकला है उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी कहीं भी हम सब में से कोई भी उस जगह हो सकता था। हाँ सही कहा तुमने, हमें हमेशा इसी पल में जीना चाहिए। जैसा कि फादर ने कहा था, हमें मौके नहीं छोड़ने चाहिए और इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। बात तो बिल्कुल सही कही भाई। अच्छा, कभी बिडेक्सको का नाम सुना है? बिडेक्सको? हाँ, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, छोटे से शुरुआत की थी। मेरे कंपनी से किसी बंदे ने उसे कैपिटल के लिए मदद की थी। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मेरा कजिन एक बड़ी अकाउंटिंग कंपनी के लिए काम करता है। वो इतनी बड़ी है कि बिडेक्सको को अपना क्लाइंट नहीं बना सकती। वो वीकेंड्स पर उनकी मदद करता है, पर वो लोग अपना सारा कैश रिसर्च में लगा देते हैं, इसलिए उसे पैसे की बजाय पेपर्स पे स्टॉक इशू करते हैं। माफ करना, जिस पेपर पर वो इशू हुए हैं उस पेपर के दाम उन स्टॉक से ज्यादा ही होंगे। वो हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसने कंपनी के रिसर्चर की बात सुन ली हो कि उसका रेट बढ़ेगा, रेट्स के निश्चित होने के 1.5 महीने पहले ही। और क्योंकि उसने ये सारे शेयर्स बिना दस्तावेज के लिए, इसलिए उसने वो शेयर्स ऐसे खाते में डाल दिए जो खाता उसके नाम पर है ही नहीं। अब वो घबरा गया है और सारे शेयर्स बेचना चाहता है। कितना मांग रहा है वो? $2,00,000 कैश में। बस इतना ही? वाह, क्यों? ये जो स्टॉक के बारे में कहा, क्या वो सही है? कल उसका प्राइस इससे 10 गुना और बढ़ सकता है या शायद उससे भी ज्यादा। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों, अगर मैं रेंट चेक क्लियर हो गया तो मेरे अकाउंट में बचेंगे $300। खैर, मेरे पास जो कुछ भी था उसका इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और हाथ में कुछ भी कैश नहीं है। और तुम लोग तो जानते हो कि मैं इस तरह कैश नहीं रखता। हाँ, लेकिन मेरे पास है। क्या है तुम्हारे पास? पैसे, मैं दे सकता हूँ। तुम पैसे दे सकते हो नो? हाँ। कितने पैसे दे सकते हो? जितना भी तुम चाहो। सच में? हाँ। ये लो मारो। थैंक्स। हाँ, क्यों नहीं, अगर हम सब लोग साथ हैं तो फिर हमें इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। और तुम लोग जानते हो, इस तरह से हम सब आपस में बराबर के पार्टनर्स होंगे और हमें बेस मनी भी वापस करनी होगी और साथ में इंटरेस्ट भी देना होगा। और हम सब तो ये जानते ही हैं कि काम करने का यही तरीका होता है। ऐसा काम जैसा हम कुछ करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई बिजनेस, उसे क्या नाम देंगे? 4 मस्केटियर्स। ये तो पागलपन है। हाँ। पर मुझे ये पसंद आया। वैसे ये एक शानदार टिप है। सच कहूं तो अभी से सेंसेशन महसूस हो रहा है। Oh!
जैक बोल रहा हूँ। वॉरेन कैसे हो? क्या नहीं, मैं काम पर हूँ। क्या, कौन सा चैनल? SECC द्वारा उसके कॉर्पोरेट कार्यालयों से हार्ड ड्राइव जब्त करने के कुछ घंटों बाद इसके मुख्य अधिकारी पीटर नेल्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से फेडरल अधिकारी द्वारा एक स्टार्टअप फार्मास्यूटिकल कंपनी भारी निगरानी के तहत थी। यह स्पष्ट नहीं है कि पीटर नेल्सन इसमें अकेले शामिल है या वेडिस्को के अधिकारियों का भी इसमें कोई हाथ है। वॉरेन, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शेयर्स की कोई कीमत नहीं रही। उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कंपनी के शेयर की कीमत अचानक और मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम फंस गए हैं वॉरेन? स्टॉक्स की कोई वैल्यू नहीं रही। पुलिस ने अभी अभी CFO को गिरफ्तार किया है। तुम जानते हो मैं तुमसे चलो, ये क्या कर रहे हो? चलो क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ो, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। ए, कैसे हो तुम? देखो मैंने कुछ भी नहीं। फिर बोला तुमने। अब अगर तुम इसे दोहराना नहीं चाहते तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे और मुझे बात करने दोगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पार्टनर्स ने मेरे बॉस से कुछ रुपए उधार लिए थे और इस घटना से वो बहुत चिंतित हैं कि तुम उनके पैसे वापस कैसे करोगे, और ये लाजमी भी है। और वो कल तुमसे मिलना चाहते हैं रॉयल में 3 बजे। दैट्स इट। और हाँ, अपने दोस्तों को लाना मत भूलना। बाय। वो कहाँ है? मुझे क्या पता, उसने 3 बजे आने के लिए कहा। तुम्हें ठीक से याद है ना? मुझे ठीक तरह से याद है कि उसने 3 बजे आने के लिए कहा था, और साथ ही उसने मुझे गाड़ी की डिक्की में भी डाल दिया था। और ये कैसी शर्ट पहनी है? देखो मेरे पास यही एक शर्ट। तो मांग लेते ना, मेरे पास कई सारी अच्छी शर्ट हैं। उसने कहा था उसे हम सबसे बात करनी है। दरअसल उसने कहा कि वो हम सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। ऑफ कोर्स वो हम सबसे बात करना चाहता है। फालतू के मजाक मत करो नोआ, तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया? यार तुम सबने कहा पैसे लाने को, तो मैं लेके आया। हमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो? तुम्हारे डैड के साथ दफना देना चाहिए नोआ। तुमने बहुत बड़ी गलती की। पैसे अपना मुंह बंद करो, नहीं तो बताओ तुमने किससे पैसे उधार लिए थे? अरे बोला। ओ, एक मिनट, कैसी हो तुम? इतनी बुरी भी नहीं हूँ एडी। क्या हो गया? मैं सीढ़ियों से गिर गई एडी। सच में? तुम्हें पता है मैं कितनी केयरलेस हूँ। ओ, अभी भी उसी के साथ हो? एडी गलती मेरी थी, मैं गिर गई ना। हाँ। सारी मेरी गलती है। अब मुझे काम पर वापस जाना होगा। हाँ, मुझे भी ठीक है। गुड बाय। वो लोग आ गए? वो वही है आपके टेबल पर। दोस्तों माफ करना, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक। हाँ, करेले का जूस सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ। हेलो नोवा। मिस्टर लोवाटो। एडी कम ऑन, हम साथ में काम करते हैं। हम एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं, है ना? जरूर। हाँ तो कैसे हो? बढ़िया। सही, गुड। क्या आप लोग इकोनॉमिक्स के 7 रूल्स जानते हो? नहीं। कोई बात नहीं, एक्चुअली वो 7 मूलभूत सिद्धांत है जो दिखाती है कि इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। स्कैर्सिटी, सब्जेक्टिविटी, इनइक्वालिटी, कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्शन,
इग्नोरेंस और कॉम्प्लेक्सिटी, पर मैं मानता हूँ आठवां है लक, जो तुम सबके जिंदगियों से पूरी तरह चला गया है, क्योंकि आज आपको मुझे देने हैं $400,000। हमने तो 2,00,000 लिए थे ना। तुम पैसे की लागत भूल गए हो, जो कि एक सिद्धांत है, बुनियादी नियम है। पूरे सम्मान के साथ सर, हमने आपसे पैसे उधार नहीं लिए, नोआ ने लिए हैं। नोआ, क्या ये तुम्हारे पार्टनर्स हैं? हाँ, यह लोग हैं। तो फिर कर्जा भी इक्वली शेयर करते हो। मिस्टर लोवाटो, नहीं एडी, एडी प्लीज एडी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरी बात को गलत मत समझना। जरूर। आप क्या, क्या आप? मैं क्या मैं इटालियन हूँ? हाँ, तो फिर क्या, क्या मैं, मेरा मतलब क्या मैं वो हूँ? नोआ, पैसे लेने के लिए तुम्हें यही मिला था? देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम मूर्ख बन गए हो, समझे तुम? क्या मतलब है मूर्ख बन गया? वो पहले से ही मूर्ख था। मुझे सच में कुछ पता नहीं था, बस मेरी पहचान का एक आदमी था, उसने पैसे लिए और उसे तकलीफ नहीं हुआ। क्या उसने वापस चुकाए? हाँ, उसने चुकाए। ठीक है, बेवकूफ कहीं का। तुम सिर्फ मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ब्रास की कसम पर चिल्लाओ ना। बकवास बंद करो, खराब हो गया है, सबको फंसा के रख दिया। शांत हो जाओ, रिलैक्स। ओके, तो अब मुद्दे पर आते हैं। मेरी बहन का पति, उसका नाम है बड़ी, वो बंदा जरा हाथ से फिसल गया है। उसे नशे की आदत थी, मेरी बहन नहीं जानती थी, कोई नहीं जानता था। मेरी बहन का कसूर नहीं था, यानी वो उसे प्यार करती थी, और प्यार में आपको चेतावनी के संकेत दिखाई नहीं देते। और फिर ये आदत एक छोटे से शौक से लेकर $2,000 प्रतिदिन तक चली गई, और वो एक फोक लिफ्ट चलाता है, यानी कोई करोड़पति आदमी नहीं है। ठीक है, अब उस पर कर्जा काफी बढ़ गया है, और उसका कर्जदार उससे परेशान हो गया है, और अब उस कर्जदार को उसके पैसे वापस चाहिए, तो उसने मेरी भांजी को किडनैप कर लिया। और आजकल का माहौल बहुत खराब है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी भांजी की सुरक्षित वापसी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जिसे किडनैप कर लिया गया है। तो आपको वो पैसे भर देने चाहिए? खैर, आम तौर पर तो मुझे वैसे ही करना चाहिए, पर ये डीलर, उस गधे का नाम टायरोन है, वो कुछ और ही सोच रहा है। उसे बड़ी चाहिए मेरी भांजी के बदले, बस एक मिसाल कायम करने के लिए। समस्या ये है कि बड़ी अभी गायब है, और यहीं से आपका काम शुरू होता है। मतलब? वेल, टायरोन का एक भाई है, और जहां तक मैं जानता हूँ वो कोई शरीफ बंदा नहीं है, तो तुम लोगों को रहम दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सिद्धांत पे चलने वाले लोग हो। तुम बस उसे मेरे लिए उठा लो। क्या उठा के? मिस्टर लोवाटो। नहीं एडी, एडी प्लीज। एडी, मुझे आपकी भांजी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मेरा मतलब कि हम सबको हुआ, लेकिन हम क्रिमिनल्स नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि किडनैपिंग में सबसे पहले करते क्या है। मेरा मतलब, अब आप नोआ को ही देख लीजिए। उसकी जगह आप ही उससे क्यों नहीं निपट लेते हैं? इसका जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। वन, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, वो लोग टायरोन की तलाश में बिजी हो जाएंगे। और टू, जो पहले वाले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन लोगों ने मुझसे $400,000 का कर्ज नहीं लिया, और बैंक्स की तरह मैं लोन को माफ नहीं करता। मानिए कि उसे हमने उठा लिया, उसके बाद क्या? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं किसी को किडनैप नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। पर दूसरा रास्ता क्या है? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, और वो हमसे पूछ नहीं रहा है। हम जहाँ भी देखेंगे चारों तरफ से फंस चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम 10 के बारे में सुना है? कुछ लोगों में बहुत ज्यादा एम्बिशन और पैशन था, और उन्होंने बनाया क्वांटम फिजिक्स। उन्हें पता था कि एम्बिशन और पैशन के साथ काम भी करना पड़ता है। ये देखो, मैं ये जूस पीता हूँ, और दिन में 3 बार दौड़ता हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ। ओके, मुझे मेहनत पता है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, जो तुम्हारे पास बहुत है। मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता रहा हूँ, जिससे तुम अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। आपको बस उसको पकड़ना है, अपने पास रखना है 24 घंटों के लिए। मेरे आदमी टायरोन को ढूंढ लेंगे, वक्त और जगह तय करेंगे, मैं तुमको कॉन्टेक्ट करूंगा, फिर एक्सचेंज करेंगे मेरी भांजी को उसके भाई के बदले। अगर तुम लोग ये मेरे लिए करोगे, तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। मुझे ये जरा भी नहीं पसंद।
ये कड़वा है पर कड़वा भी इससे अच्छा होता है। चलो आज मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी माँ ने मुझसे क्या कहा। मैं उसे आने वाली गेम्स को देखने के लिए अपनी सीट नहीं दूंगा तो वो मेरी छोटी बहन को बता देगी कि मैंने पिछले हफ्ते क्या किया है। तुम तो जानते ही हो मैंने जो कुछ था वो उड़ा दिया। तो फिर उसे टिकट दे देना मेरे भाई। मैं नहीं दे सकता, मुझे भी देखना है। तो उससे कह दो कि वो पीछे नहीं हटा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं ऐसा नहीं कह सकता, वो मेरा साला है। इसके अलावा नीगा इतना बेवकूफ है कि वो अपनी टोपी खुद ही अपने सर पहन लेगा। ऐसा है क्या? और वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, और अगर वो मुंह खोलता भी है तो जिंदगी भर वकीलों के चक्कर काटेगा। ये तो फिर ठीक है। बताओ मार्केस, तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरी पत्नी को धोखा दूँ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाए। सुनो, तुम तो शायद उसके पोस्टर भी छपवा दो। मैं दोस्तों, मैं इस टेबल पर बैठे बैठे ये बता सकता हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये तुम्हारी समस्या है, और हम में से कोई भी उस आदमी के लिए अपने आप को जोखिम में नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि आप लोग अपने बिजनेस के उसूल भूल चुके हो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमें अपना मुंह बंद रखना होगा, समझे? और सच तो ये है, हम ऐसे लोग हैं जो किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे दोस्त। तूने तो डरा ही दिया। तुम बहुत बुरे हो, पता है तुम्हें, तुम बुरे हो। Hey girls, कैसी हो? दोस्त, ये दुकान तो बंद हो चुकी है। अरे जा जा के देखना। तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला। मार्किस, जाना उधर जाके कुछ कर। चल 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 करो चल करो। अबे चल चल ले चलो। कौन कौन? कौन है ये लोग? मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी थे वो प्रोफेशनल थे। अरे ये क्या? मेरी गलती थी। सुनो, कहाँ हो तुम लोग?
ये सब क्या चल रहा है? इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, इस वक्त कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। तुम सब कौन हो? तुम्हें सब की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 24 घंटे की बात है, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। अच्छे से एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं दिखाता हूँ क्या बकवास है। ये पुराने कारखाने जैसा है, कलाकार रहते हैं, काम करते हैं, किराए पर लेने की व्यवस्था भी है, मेरी मेरी कंपनी के लिस्ट में है। चुप हो जाओ, तुम घर दिलाने वाले ब्रोकर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 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 ज्यादा होशियारी नहीं। ए ठीक है मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा। ओ ये क्या, ये तो मेरी गन है। मेरा मतलब कि इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि मुझे लोकल लोगों ने किडनैप कर लिया है और मेरी ही गन से मुझे डरा रहे हैं। ये गन तुम्हारी है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें गोलियां भी है। वो मुझे चाहिए। हाँ क्यों नहीं, तुम इसे पकड़ना चाहोगे? क्या करोगे उसे लेकर? देखो मैं ये जानता हूँ कि ये कोई प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है और मुझे मार भी दिया, तो मुझे यकीन है कि तुम लोगों पर कोई भी केस नहीं होने वाला। मैं चाहूंगा कि तुम करीब आओ और मेरे हाथ खोलो जल्दी, मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो आगे जाओ, डरो मत, मैंने उसे अपने हाथों से बांधा है, वो कुछ नहीं करेगा। ओ तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें पता है ये गन कितनी महंगी है? क्या? उसे जरा नजदीक से देखो। ओ क्या हुआ इसे? तुमने इसे डैमेज कर दिया है, तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? देखो एक टॉप मॉडल की गन है, आसानी से मिलती नहीं है। तुम बहुत ही बेवकूफ हो, अगर दोबारा खरीदने जाओ तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी पता है तुम्हें? हाँ तुमने इसे बर्बाद कर दिया है। ठीक है ठीक है, मैंने अब अपना फैसला ले लिया है। और वो क्या है? जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मुझे खुद पर यकीन है कि मैं यहाँ से सही सलामत बाहर निकलूंगा। इससे पहले हम एक दूसरे से मिले नहीं है, इसका मतलब कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई झगड़ा है। इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ अभी तक तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई और ना ही मुझे मारा पीटा है, इसका मतलब ये है कि तुम पैसे के बदले में मुझे एक्सचेंज करना चाहते हो। सही कहा ना दोस्तों? हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है जिससे शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने सही कहा ना दोस्तों? हाँ वो कुछ $4,00,000, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम रखेंगे। अपना मुंह बंद रखो। सॉरी जैक। बेवकूफ। क्या? हम जब यहाँ आ रहे थे तब हमारे बीच कुछ बातचीत हुई थी। हम कार में क्या बातचीत कर रहे थे, किस लिए थी? हाँ। कुछ याद है तुम्हें? हम में से कोई भी नाम नहीं लेगा। ओ नहीं मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया? तुम सही हो, तुम सही हो, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। नोआ डॉर्फमैन, 316 नॉर्थ फ्लशिंग एवेन्यू। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा वॉलेट है, ये मेरा पुराना पता है। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, शायद तुम ये नहीं जानते कि तुमने मुझे यहाँ बांध कर कितनी बड़ी गलती की है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो, सच है ना? गूगल करो। मुझे कुछ मिला है। ब्लैक क्राइम सिंडिकेट के चीफ डेमेट्रियस फ्लेमिंग के लिए एक वकील ने बुधवार को औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव दायर किया है जिसमें न्यायाधीश को फ्लेमिंग वर्तमान में मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और दो सिंडिकेट एजेंटों के लापता होने और गुंडागर्दी करने के लिए ऐसा बहुत कुछ लिखा है। दोस्तों ये जो तुम्हारा किडनैपिंग मास्टर है उसका और मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है क्योंकि उसे मेरे बारे में शायद पता है, इसीलिए तुम लोगों से मुझे किडनैप करवाया। तुमने ये सब किया मुझे बिना जाने, इसका मतलब यही है कि तुम लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, समझे तुम? हाँ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, भूलना मत। एडी ने हमें बेवकूफ बनाया है। तुम शांत हो जाओ, तुम कहीं कुछ तोड़ दोगे। तुम्हें याद है ना हम सब ने तय किया था कि हम सब कुछ वैसा ही रखेंगे जैसा उन्होंने देखा है। क्या तुमने अभी नहीं सुना 10 सेकंड पहले कि हमने किसे कमरे में बांध कर रखा है? हाँ मैंने भी सुना है। हमें बेवकूफ बनाया गया है।
तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? सुनो, मैं ठीक हूँ, ओके? एंटी एंग्जायटी मेडिकेशन है, मैं ठीक हूँ। ओ बढ़िया, वो ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि हम मार्कस को ऐसे ही जाने देते हैं। ओके, ऑलराइट, इसे कहते हैं आइडिया। और फिर क्या? एडी हमें उसकी भांजी की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा और हमारी लाश कहीं पड़ी हुई मिलेगी। हमें पुलिस के पास जाके प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने किडनैपिंग की है। हाँ नहीं, मैं देख सकता हूँ कि ये कैसे हमारे खिलाफ काम कर सकता है, ठीक है? बेवकूफ। एडी का फोन है। हेलो, हाँ हाँ, मैं वही हूँ। हाँ एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। सुनो, ये वो नहीं है। क्या क्या तुम उससे बात करोगे? ओके, कोई भी नहीं जानता कि हम सब यहाँ हैं। मेरा एजेंट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सुनो, इस वक्त तो बहुत परेशान है, समझे? दोस्त, हमने इस समय किसी खतरनाक जाति के कुत्ते के जैसे किसी को बांध रखा है। इस समय हम सब परेशानी में हैं। ध्यान से सुनो, वो श्योर नहीं है लेकिन उसको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। क्या? तुम जानते हो वो एक नर्स है। वो रोज रात को लेट आती है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और उसे ये भी पता चला था कि वो रात भर किसी होटल में रुकी थी। ओ नहीं। और इसी वजह से उसने उसके पीछे एक जासूस भी लगाया है। सच में? हाँ, ऐसा बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। वाह, मुझे उससे हमदर्दी है। हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे शादी में बुलाएगा? नहीं, पता नहीं। मुझे लगता है कि मुझे ये चाल चलनी चाहिए। हाँ, ये अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना बेटा, तो इसे उठाता और यहाँ रख देता। पता है क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारे करीब आए, इसलिए कि तुम्हें अपनी रानी की रक्षा करनी है। अब अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैंने ऐसा ही किया होता। जरा लियोन के साथ जाओ, बात करिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बोलो, अब क्या हुआ? तुम मजाक कर रहे हो? कब? किसने? अरे अरे अरे, शांत हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। अच्छा किया तुमने, बाद में बात करता हूं। मेरे भतीजे को जो भी ढूंढ कर लाएगा उसे $2,00,000 इनाम दूंगा मैं। मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? माफ करना, फ्रिज खाली पड़ा है, यहाँ बरसों से कोई नहीं रहता। भूख तो मुझे भी लगी है। हाँ मुझे भी। देखो अभी हमारा नसीब खराब है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो खाने के बारे में बात करना बंद करो। और कितनी देर तक हमें यहाँ रहना होगा? क्या तुम लोगों में से कोई बाहर जाकर मेरे लिए कुछ ला सकता है? हाँ मैं बाहर जाके कुछ ला सकता हूँ, पर यहाँ आसपास कुछ ज्यादा है नहीं। आते समय मुझे रास्ते में आइसक्रीम शॉप दिखी थी। मुझे वो भी चलेगा। हम आइसक्रीम लेने बाहर नहीं जा रहे हैं। अरे पर मैं जा सकता हूँ। मैंने एक बार कहा ना, कोई आइसक्रीम लेने बाहर नहीं जाएगा तो मतलब नहीं। बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें भी भूख लगी है, यहाँ पर हम सबको भूख लगी है। ठीक है, सही है, तो एक काम करना, मेरे लिए मिंट चिप ले आना। यस, एक 300 कैरमल कोन भी। मेरे लिए पिस्ताचियो फ्लेवर लाना। मार्कस, मेरे लिए वेनिला। ठीक है, लाता हूँ। ज्यादा टाइम मत लगाना। दोस्तों मुझे कैश चाहिए होंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। वॉरेन, मेरे पास पैसे नहीं है। $3 से ज्यादा नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं है, मुझसे मत मांगना। नहीं, ये हुई ना बात। ट्रिपल स्कूप सबके लिए। बहुत अच्छे, थैंक यू। देखो तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये वही है, नजर रखना। एरी, स्पीकर ऑन करो। कैसे हो जैक? तुमने हमें फंसा दिया। वो कैसे?
ये माफिया गैंग्स है। तुम जानते थे ये बंदा कौन है? तुमने उसे पकड़ लिया, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ओह कम ऑन, मार्कस तुम्हारे कब्जे में है, वो किडनैप्ड है। छोटी मोटी मुसीबतें हैं, ये सब तो होता ही रहता है। ये सब तो होता ही रहता है। तुम जानते हो मैंने उसे टॉयलेट की सीट से सर पर मारा है, और अब मेरे सर पर गोली मारना उसकी लिस्ट में सबसे पहला काम है। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे छोड़ दें और यहाँ से जाने दें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे और उसके अंकल को ये बता दें कि ये काम किसने करवाया है। ओ, सच में? अब मेरी बात सुनो बेवकूफ कहीं के, अगर ज्यादा बकवास की तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जब तक मेरी भांजी वापस नहीं आती तुम ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। ठीक है एरी, मेरी बात को सुनो, शांत हो जाओ। एरी एरी हे हे हे, मैं तुम्हारे साथ चलूं? आज मूड नहीं है रवि, नेक्स्ट टाइम। पागल कहीं का, चलो चलते हैं। वाह, जरा इसे तो देखो। तुम जूलियन हो? तो चलो मेरे साथ। मुझे तो यही कहा गया था कि एक कसरती बदन वाला लड़का होगा जो लाल रंग का ट्रैक सूट पहने हुए इसी बिल्डिंग के एड्रेस पर मिलेगा। हाँ, अगर मेरी जानकारी गलत है तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, पर तुम्हें तो जूलियन ही बताया था। हाँ, मैं ही जूलियन हूँ। गुड, क्योंकि तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो इसलिए मुझे तुमसे इतने सवाल करने पड़े। अब तो पता चल गया ना, बोलो क्या है। सीधा मुद्दे पर, मुझे अच्छा लगा। हम लोग टायरोन को ढूंढ रहे हैं। किसे? किसे? फिर वही मासूम सा सवाल, टायरोन। इससे पहले कि तुम बताओ कि वो कहाँ मिलेगा, मैं तुम्हें बता दूं कि टेबल पर पड़े हुए इस ऑटोमेटिक खिलौने को मैं देख चुका हूँ। तो माइक, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि जूलियन पहले उस गन तक पहुँच जाए और यहाँ का माहौल बिगाड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक, या तो तुम वो गन उठाकर हमें मार दो और आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाओ, और दूसरा तुम हमें ये बता दो कि टायरोन कहाँ पर मिलेगा, नहीं तो मेरा ये जो हीरो है तुम्हें खत्म कर देगा। क्या कहते हो, ऑप्शन एक या ऑप्शन दो? ये तो ऑप्शन तीन है। वाह, जरा फुर्ती तो देखो इसकी। देखो कैसे भाग रहा है। इसे भागने दो, हम ट्रैक करेंगे। ए बच्चे, तुम बता सकते हो टायरोन कहाँ मिलेगा? और अगर तुमने भी जूलियन की तरह जवाब देने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं। कितने साल के हो? 15। 15 साल। क्या नाम है तुम्हारा? विलियम। विलियम क्या? हैरिसन। ठीक है, तो विलियम हैरिसन, जिंदगी में कुछ पल ही ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें दूसरा मौका मिलता है। तुम खड़े हो सकते हो, दरवाजे के बाहर जाओगे और वापस अपने स्कूल जाओगे, पढ़ाई करोगे, अपने अरमान पूरे करोगे, ग्रेजुएट होगे, लेकिन कभी वापस यहाँ मत आना। मुझे सब पता है कि तुमने अपनी एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी है। हम तुम्हारे घर पर आएंगे ये देखने के लिए कि तुम क्या करते हो। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। गर्मी का मौसम आ गया दोस्तों। अरे यार कमाल करते हो, आइसक्रीम लाने में इतना समय लगता है किसी को? खैर छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये पिस्ताचियो किसका था? मेरा था। ठीक है, आइसक्रीम पिघल चुकी है। हाँ हाँ जानता हूँ, सॉल्टेड कैरमल। मेरी है, कौन क्यों नहीं लाया? ओ नो सॉरी, मेरी गलती है, मैं भूल गया। और ये रहा तुम्हारा, मिस्टर मार्कस। ओ नहीं, शायद मुझे इसके हाथ खोलने होंगे। सवाल ही नहीं उठता। हाँ, पर ये खाएगा कैसे? हम
इसके लिए माफ करना। किस लिए? किडनैप भी किया और मुझे खिलाना भी पड़ रहा है, इसलिए? सबके लिए। ए, टैटू अच्छा है। हाँ हाँ, मेरे ग्रुप में सभी लोगों के पास ऐसा है जैसे कि कोई सेना की टोली। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले फौज में थे। मैं हाँ, मैंने ग्रेजुएशन के बाद साइन तो किया था। जानते हो, मैंने लड़कियों और लड़के दोनों के यूनिफॉर्म भी खरीदे थे। खिलाओ। और फिर तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल हो गई। नहीं, मैं कभी फिर से उसमें जा नहीं पाया। आर्मी को लगा कि मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मुझे वापस एसपीओ में डाल दिया। स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑपरेशन, राइट। मैं आगे तो नहीं बढ़ पाया पर बहुत कुछ सीखा। सुन के अच्छा लगा कि हमारे टैक्स के पैसे बेकार नहीं जाते। तुम जानते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बस यही अंत है। भयानक स्थिति लगती है और कोई मौका नजर नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता। क्या तुम पर कभी अचानक किस्मत मेहरबान हुई है? मुझ पर नहीं। मुझ पर कभी किस्मत मेहरबान नहीं हुई। तुम शायद ऐसा कह सकते हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत हूँ। शायद, या शायद नहीं भी। ओह, खैर इसे ही देखो एक एग्जांपल की तरह। मेरे पिताजी इसी साल वो गुजर गए। सुनकर बुरा लगा। वो वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े आदमी थे। ओके, उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए थे। वकील ने मुझे फोन किया और बताया कि 3 बड़े घर बेचने के बाद मेरे पिताजी का मेरे पास क्या बचा है, उनकी एक्स वाइफ, टैक्स और बस ऐसा ही सब। इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं मिला मुझे। मुझे सिर्फ एक चेक मिला $3,000 का और ये एक पुरानी घड़ी। तुम जानते हो नोआ, कभी कभी तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो सकती है और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं, तुम्हारे उम्मीद से भी ज्यादा। बस मेरे हाथ खोल दो, मुझे कुछ ही पल लगेंगे और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे हाथ मैं नहीं खोले, और मैं यहां से भाग जाऊंगा। और जब तुम कल उठोगे तो तुम्हारे तकिए के पास एक बहुत बड़ा नोटों से भरा बैग होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई लोग होंगे जो मुझे ढूंढ रहे होंगे? मैं कितने भी पैसों की शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट किसी ने देखी ही होगी। हो सकता है कि कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, किसी को इस काम के लिए पैसे जरूर मिले होंगे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए दोस्त। यही है। मार्कस फ्लेमिंग कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम वो कब गायब हुआ। हम जानते हैं कि तुम जुआरी और ड्रग डीलर्स एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो। तुम कुछ जानते हो? हाँ, मुझे कुछ तो मालूम है और वो है मेरे अधिकार। ये सब करना इलीगल है। अबे तबीले की पैदाइश, हट। तो ठीक है, तुम्हारी याददाश्त ताजा करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कुछ याद आया? मार्कस फ्लेमिंग, छोड़ो मेरे काम, मुझे छोड़ो। ये तूने क्या किया बेवकूफ? ओ नहीं, सॉरी, गलती हो गई। जब भी वो ऑफिस आते हैं उनसे कहिएगा मुझे कॉल करें। थैंक यू बेवकूफ। मुझे लगा तुमने ये सब छोड़ दिया है। मैं जाके रहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, मुझे जज मत करो प्लीज। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझसे दूर ही रहो। तुम 15 दिनों के लिए इन सब से पूरी तरह से बाहर। सुनो दोस्त, शांत रहो। सब कुछ ठीक है? बकवास। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर दिया है, तुम इसमें क्या कर पाओगे? जैसा सोच रहे हो वैसा ना भी हो। यही तो जांचना है। वो 1.5 घंटे पहले घर से चली गई, वो अभी भी वापस नहीं आई है। फिर भी उसने कहा कि वो अंदर ही है। तुमने उसे कब बताया कि तुम आज रात बाहर जाओगे?
उससे इस बात का क्या लेना देना है? ये भी तो सच है कि तुमने उसे झूठ कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे रहा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ तो तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। नहीं नहीं, तुम हो किसकी साइड पर? देखो, मुझे शायद ये बोलने का हक नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है। ओह नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। अरे यार सुनो, देखो जैक, मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक दोस्त के नाते तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही। ठीक है, कहो जो कहना चाहते हो। देखो, अगर तुम इसी रास्ते पे चलते रहोगे तो हर बात पे उससे सवाल करोगे, हर बात पे उस पे शक करोगे, यही करते रहोगे तुम, और ऐसा ही चलता रहा तो वो अकेली कहीं बाहर भी नहीं जा सकेगी। अगर वो जाएगी तो तुम्हें लगेगा कि वो किसी से मिलने जा रही है। बस वही बाकी रह गया है। मेरा मतलब है कि जानी जानी वो बहुत सुंदर है और मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। हमारे बीच में एक कनेक्शन है। एक औरत को खुश रखने का बस एक ही तरीका है कि आप उस पर पैसे लौटाते रहिए। मैं अपने हर क्लाइंट को स्टॉक में लगवा देता हूँ। क्या? उन सभी को। मेरा मतलब है कि कितनी बार बस वो 3 पॉइंट्स पाने के लिए आप सबके साथ खेल खेलते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सुनो दोस्त, समस्या अपना समाधान खुद ढूंढ लेती है। मेरे काम की लाइन में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वास्तव में आपके करियर की ज्यादा उम्र नहीं रहती है। ओके, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। परेशान मत हो, ये तो तय है। हेलो जेरी, डायमंड्स क्लब चले जाओ। लेकिन किस लिए? चलो ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ। ओके, ठीक है, चलो करते हैं। सुनिए, क्या मदद कर सकता हूँ? टॉमी कहाँ है? वो वहाँ है। टॉमी, मैं पौला का दोस्त हूँ। अरे, उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, तू कौन है? उसका कजिन हूँ, एडी। क्या कर रहा है मैं? अरे, उससे माफी मांगो, उसके लिए फूल ले जाओ, मुझे यहाँ वापस ना आना पड़े। तुम्हारी राह देख रहा था। यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुमने उसके बारे में सुना नहीं? फ्लेमिंग्स का भांजा किडनैप हो गया है, जो कोई भी उसे ले आएगा उसके लिए एक बड़ा इनाम है, और वो कहाँ है इससे जरूर पता है, पर तुम जैसा देख सकते हो कि यहाँ थोड़ी समस्या हो रही है। We're taking a little break right now. Yeah, evidently. Well, we're looking for his other nephew, Tyrone. एडी ने कहा है कि तुम्हारे पास उसका पता है। बस कॉल का इंतजार है, मेरा एक दोस्त टायरोन के साथ हर समय उसकी निगरानी करता रहता है। क्या एडी $5,000 के लिए मान गया है? पता बताते ही तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ा लोगे, एक छोटा पैक? ठीक है। दोस्तों, याओ जल्दी। तो वो एडी था, जैसा उसने कहा था वैसा ही सब चल रहा है और यहाँ आ रहा है। फिर? और बस खत्म, हम बस बैठेंगे और इंतजार करेंगे। इंतजार? बैठो और इंतजार करो, बढ़िया है। क्या उसने कोई आइडिया दिया कि ये सब कब तक चलेगा? चुप हो जाओ नोह। क्यों? देखो, हम उस पर बारी बारी नजर रखेंगे, हम हर 2 घंटे में स्विच करेंगे, इस तरह से हमारी कुछ नींद भी हो जाएगी। ओके, ठीक है, मैं पहले करता हूँ शो। हाँ,
क्या मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कान पर यह निशान कैसे पड़ा? क्या आपने सुना है? मुझे लगा मैंने बताया होगा। यह पागलपन की कहानी है। मेरा बड़ा भाई जो लॉ इन्फोर्समेंट में अपना करियर बना रहा था, वो अलग दिशा में जाना चाहता था। उसके प्रोडक्ट में एक तिहाई असली माल था और दो तिहाई बेकिंग सोडा था। मैं चिकन पॉक्स की वजह से घर पे था जब उनके असंतुलित ग्राहकों में से एक ने घर का दौरा किया। वो ये जानना चाहता था कि मेरा भाई कहाँ है और बैग के अंदर ये बेकिंग सोडा कहाँ से आया। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं और मेरा चिकन पॉक्स संक्रामक है। मेरे इस जवाब से वो नाराज हो गया। इस बीच वो बच्चा आई से ऊपर आया जो नीचे के अपार्टमेंट में रहता था। उस दिन वो समय से पहले ही घर आ गया, जो कि उसकी माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। Finds her home a little earlier than he expected as well. So he goes in किचन में जाकर फ्रिज में से अपना खाना निकालने के बजाय, जैसा कि अक्सर स्कूल से आने के बाद वो करता था, उसने अपने पिताजी की शॉटगन निकाली। और उस दौरान ऊपर मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो आदमी मेरा कान काट रहा था। उस समय मेरे लिए वो एक फरिश्ता बनकर आया। सच कहूं तो अगर उस दिन आइसेक नहीं होता तो मेरा कान कट चुका होता। वो सच में चमत्कार था। गन गन गन। जेरी, जेरी तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? आइसेक को हाय कहो। हाय आइसेक, तुम्हें पता था ये यहाँ है? हाँ। अरे दोस्त, तुम बहुत भद्दे दिख रहे हो। हेलो, टायरोन अपने आदमियों के साथ है सामने के अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर। शुक्रिया। हम ठीक हैं? हम ठीक हैं। तुम ठीक हो? हाँ। चलो उसे लेकर आते हैं। तुमने कभी इसे चलाया है? क्या? गन। शायद तुम मुझे पागल कहो, लेकिन तुम मुझे उस टाइप के नहीं लगते। जरूरत पड़ने पर चला भी सकते हो। मुझे वजह मत दो कि मुझे ऐसा करना पड़े। ए, तुम्हें इसकी वजह नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है मैं कहां से हूं? अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें किसी के सर पे लोहे का रॉड मारना है, और क्या तुम मारोगे? वो भी बिना सवाल पूछे। जब तुम बड़े हो रहे थे, क्या कभी तुम्हारे बाप ने तुमसे कहा कि तुम कोई बड़ा सा काम करो? उनका अपना तरीका था। याद मत दिलाओ। क्यों नहीं? मेरे डैड चाहते थे कि मैं उनका काम संभालू। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का था, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं परिवार के लिए जल्द से जल्द पैसे कमाऊं। और फिर उन्होंने मुझे एक घर में भेजा ये कह के कि उसे जलाना है। मैंने बिना सोचे उसे जला दिया। अगली सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे पता चला कि उस घर में 5 लोग थे और वो जल के मर गए। उस वक्त मैं 13 साल का था। क्या तुम सोच सकते हो? उसी आग में मेरा बचपन जल के खाक हो गया। अगर तुम कोई और रास्ता चुनते तो सोचा है जिंदगी कैसी होती? तुम्हारा मतलब है कि फैमिली बिजनेस से अलग होकर कुछ कोई दूसरा बिजनेस?
क्या तुम जाग रहे हो? हाँ, उस खिड़की पर गाय की तस्वीर मुझे परेशान कर रही है। अरे नहीं, बहुत ही बुरा है ना? इतना मत डराओ। हे नोवा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलो ना। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हम लाइफ में जो भी गलतियां करते हैं उसका पछतावा हमें बहुत बाद में होता है। हाँ? तुम जानते हो हमारी पुराने दोस्तों की बातें, मैथ्यू, जैक और मैं, हमेशा हम तुम्हें परेशान करते रहते थे। वॉरेन, मैं स्कूल में अकेला ऐसा बच्चा था जो सेंटेंस में बाइनरी वर्ड्स का यूज करना जानता था, और तुम लोगों ने जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ऐसा नहीं है, कई बार हमने हद भी पार कर दी थी। हाँ खैर, परेशानियां हमें ताकतवर बनाती है, राइट? हाँ सही है। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता था कि मुझे इस बात का बहुत दुख है और आई एम सॉरी। हाफ अ मिलियन डॉलर्स। यह मेरा ऑफर है, तुम्हें बस इतना ही करना है कि मेरे हाथ खोलने हैं और मुझे यहां से जाने देना है। ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी रकम मिलेगी तुम्हें इस काम की, जो सिर्फ तुम्हारी होगी। मेरे भाई जरा ध्यान से सोचो, ऐसा ऑफर जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। सुबह होने से तुम्हें महसूस होगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, फायदा उठाओ। ब्राइस, मैं आ गया हूं, तुम जा। नहीं, नहीं। नहीं 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 नहीं। यहां से बाहर निकलो जैक। तुम कर क्या रहे हो? मैं यहां से भागने की तैयारी कर रहा हूं, देख रहे हो ना? कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो किसने बुलाया था? बोला। हे एडी, कैसी हो? कुछ लोग आए हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे साथ मीटिंग है, तो मैंने उन्हें वहाँ बिठा दिया। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अभी जाकर मिलता हूँ एडी। हाँ थैंक यू। किस लिए? थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मिलकर अच्छा लगा मुझे भी। बहुत दिनों के बाद। ख्याल रखना। हाँ, बिल्कुल। जेंटलमैन ट्रैफिक, सॉरी एजेंट राइकट, क्या हो गया? कुछ नहीं, ड्यूटी। ये मेरा पार्टनर है, एजेंट सैंटोस। मिलकर खुशी हुई, बात करनी है। चलो चले। चलो चलो। अच्छे लग रहे हो। ओह थैंक्स। तुम्हारी बीवी कैसी है? तुमको तो पता ही है कैसी है ना, वो जवान रहती है ना पतली होती है। मिस्टर लुवाटो। एडी प्लीज। मिस्टर लुवाटो, जैसा कि आपने सुना ही होगा, डिमेट्रियस फ्लेमिंग्स के भतीजे मार्कस का कल अपहरण कर लिया गया है, क्या आपको ये पता? नहीं, मुझे नहीं पता। खैर, हम दोनों को मालूम है कि आप दोनों के बीच पहले से तकरार है। ऐसा है क्या? सॉरी एडी,
मुझे पूछना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बता पाओ तो मेरी मदद होगी। आवाज और डर से कुछ नहीं होता। ये मैकबेथ की लाइन है, आपने देखा है? नहीं। मेरा फेवरेट प्ले है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसे ब्रॉडवे में देखा था, पैट्रिक स्टूवर्ट के साथ, स्टार ट्रेक का वो टकला आदमी, याद है? हाँ, वो अच्छा। मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग होता है और उसे डायन ने कहा था कि उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मार सकता जो औरत जन्मा हो। और फिर उसने उस डायन की बात मान ली। जब उसके विरोधी ने उसको फाइट के लिए चैलेंज किया, वो मान लेता है और तलवार का एक वार और सर धड़ से अलग। बात यह है कि जिस आदमी ने उसे मारा था, उसे उसके माँ के पेट से निकाला गया था, यानी आप समझ रहे हो ना, नेचुरल बर्थ नहीं था, तो कहा जा सकता है कि वो औरत से नहीं जन्मा था। हमें माफ कर दो एडी, हम लोग तुम्हें ट्रैक नहीं कर रहे हैं। कभी कभार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। टायरोन मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। हेलो, हाँ सब ठीक है, ओके। ये कौन था, क्या है ये सब? जेनी मुझे धोखा दे रही है दोस्त। तुझे यकीन है ना? मुझे पूरा यकीन है, हाँ। उसने कहा कि उन्हें तस्वीरें मिली हैं। खुद को संभालो। तुम जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे उसे पकड़ना था। मेरा दिमाग खराब कर दिया है उसने। अब छोड़ दो, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। मतलब कोई इंसान कैसे इस तरह से खुश रह सकता है जिसकी मंगेतर उसके साथ एक बहुत अच्छा समय बिताती है और फिर वो उसकी पीठ पीछे से धोखा देती है। तुम्हें कम से कम उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या मैंने ऐसा क्या कहा? सुनो, ये फालतू की बातें करना बंद करो और आगे क्या करना है वो सोचो। ओके। तुम्हें पता है कि तुम उसके साथ फोन से कांटेक्ट में हो, हर मिनट साथ में बिताते हो, ईमेल से बात करते हो, साथ में कपड़े धोने के लिए भी जाते हो, मतलब कुछ भी हो हर चीज को साथ में करने के लिए जाते हो। खुद को समझाता रहता था कि नहीं ये सही है, ये सही है, तुम गलत हो, वो सही है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी। और आखिर में मेरा जैक, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर कम से कम अब तुम श्योर हो। जानते हो डिटेक्टिव ने क्या कहा? 85% उसके दोस्त ऐसे हैं जिनकी बीवी उनके साथ लॉयल नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहती है वो। चलो तुम्हें तसल्ली तो मिली कि तुम अकेले एक ऐसे मर्द नहीं हो। नोवा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं तो बस उसे बेहतर महसूस करवाना चाहता था। मुझे दिख रहा है कि जीवन के गणित का मूल्य शून्य है। यहाँ पे बस इंसानियत की कमी है। हम एक ही समय पर कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं। अब तुम प्रवचन दोगे क्या? मुझे लगता है हम इस दुनिया में किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। एक तरफ आप कुछ अच्छाई कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप बुराई भी कर रहे हो। इसका हम लोगों से क्या लेना देना है? तो मेरे साथ रहो और देखो कि मेरे कहने का मतलब है या नहीं। तो देखो,
मतलब मैं यहाँ इस कुर्सी पे बंधा हुआ हूँ किसी पिछले पाप के कारण। जब मेरे इस पाप की सजा मुझे मिल जाएगी तो मैं मेरे पापों से मुक्त हो जाऊंगा। और सबके साथ ऐसा ही होता है, तुम्हारे दोस्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी सजा वो अभी भुगत रहा है। देखो तुम बहुत गलत सोच रहे हो क्योंकि वो बहुत वफादार था। देखो मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मैं कर्मों की बातें कर रहा हूँ, समझे तुम लोग। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया फिर भी उन्हें सजा मिलती रहती है, तो तुम क्या कहोगे उसके बारे में? नहीं, कुछ ना कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। Come on, Zachary, कुछ होता है। तुम्हारी ये फालतू थ्योरी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, समझे? ठीक है, तो तुम बताना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े महात्मा हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। देखो तुम्हें लगता है कि तुम बेकसूर हो, मगर मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पिछले कर्मों की सजा है जो तुम भुगत रहे हो। तुम अपने बुरे कर्म छुपाने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो और खुद ही उसकी इज्जत नीलाम कर रहे हो। तुम अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो अपना मुंह। मैं तुम्हारे दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं भी तुम्हें कुछ समझाता हूँ कि तुम एक वाहियात किस्म के आदमी हो, एक इंसान जिसे अभी अभी पता चला हो कि उसकी मंगेतर उसे धोखा दे रही है, वो भी शादी के सिर्फ 6 हफ्ते पहले। ऐसे आदमी से तुम्हें इस समय उलझना नहीं चाहिए। उस आदमी को तुम्हारे साथ कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो चाहे तो तुम्हारे सर में 6 की 6 गोलियां उतार सकता है। किसी भी बात शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? मैं सभी शूट करूंगा। शांत हो जाओ जैक। जैक, जैक, शांत हो जाओ और वो गन मुझे दे दो। ये तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम उसे गोली मार दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दोस्तों। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। देखो इस बात को यही खत्म करो, समझ में आया तुम्हें? हाँ समझ गया। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, मैं तो बस अपने विचार रख रहा था। मैं तो बस इस बात पे रोशनी डालना चाहता था कि एक अनजान आदमी इसकी गर्लफ्रेंड को इसके सामने से क्यों उड़ा के ले जा रहा है, बस इतना ही। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम उसे मार डालोगे क्या? ठीक तो मैं ठीक हूँ। बिना सोचे तुम कुछ भी करते हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो माइक्रोफोन है। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत होशियार है। क्या? मतलब कोई हमें सुन रहा था? मतलब ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था अब तक? हाँ ये सच है। किसी को देखा? नहीं। ओह, लेकिन तो पता नहीं इसका सिग्नल कितनी दूर तक जाता है। उसे तोड़ दो, उसे तोड़ दो। नवाब वो टूट चुका है। बस बस बहुत हुआ। मुझे अब क्या होगा? बताओ तुम्हारे साथ यहाँ तक कौन आया है? बताओ कौन सुन रहा था हमें? अब हम क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं रुको, एक मिनट रुक जाओ, जरा सोचने दो। अगर हमें कोई सुन रहा होता तो अब तक वो उस दरवाजे से घुसकर हम पर गोलियां बरसा चुका होता है ना? नहीं, जैक सही कह रहा है, अब तक जिंदा नहीं होते। और ये तो अच्छा है। ये अच्छा है। क्या अच्छा है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इसने ये वायर हमारे लिए नहीं पहना है, इसने ये वायर अपने दोस्तों के लिए पहना है, डिनर के टाइम के लिए। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि ये किसी लॉ एनफोर्समेंट ब्रांच के लिए काम कर रहा है, पॉसिबल है FBI के साथ। उन्होंने इसे ये तार दिए हैं ताकि ये अपने ड्रग पेडलिंग गैंगस्टर दोस्तों पर नजर रखे और उन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। मैंने सही कहा ना? मैंने सही कहा कि नहीं? वाह याद आदमी, कितने बड़े धोखेबाज हो। तो तुम कहना चाहते हो कि यह इन्फॉर्मर है? दरअसल ये लोग जाने जाते हैं चूहे के नाम से या चूजे के नाम से। हो सकता है इनका नाम अभी कुछ बदल गया हो। तो अगर हम वापस अपनी बात करें तो शायद हमारा पीछा वही लोग कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तब शायद हमने उनका कोई रिकॉर्डिंग सेशन बिगाड़ दिया।
मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। शायद तुमको पता नहीं कि तुम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हो, समझे? मेरे ख्याल से तुम कंफ्यूज हो क्योंकि तुमने किसी और के काम में टांका डाली है। कोई गैंगस्टर रूल बुक होती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पक्के से कह सकता हूँ कि अगर वो होती तो तुम्हें अपने गैंगस्टर दोस्तों को धोखा देने के लिए उसमें कभी माफी नहीं मिलती। मुझे यकीन है कि अंकल डिमेट्रियस को बहुत हंसी आएगी जब उन्हें तुम्हारे ब्यूरो दोस्तों के बारे में पता चलेगा। क्या तुम सब लोग खुश हो गए हो, बताओ? हम लोग खुश नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंकल या फिर मेरे आसपास का कोई भी तुम्हारी बातों पे कोई इतनी आसानी से यकीन करेगा? तो अब तुम क्या करोगे, कैसे यकीन दिलाओगे उन्हें? ए, बताओ, क्या तुम उन लोगों के बारे में जानते हो जो हमारी बातें सुन रहे थे? बताओ। हाँ दोस्तों, उन्हें टास्क फोर्स कहा जाता है। उन लोगों ने इतने लोगों को मारा है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुमने क्या किया है पता है तुम्हें? तुमने ऐसे इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाई है जो पिछले 6 महीने से चल रहा था। पता है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम चारों बहुत बड़े जोकर हो। सुनो एडी, सब तय हो चुका है, समय और जगह। उससे फोन करते हैं। एडी, हे, गुड न्यूज, हम तैयार हैं। तुम उसे लेने के लिए आ रहे हो? खैर एडी, प्लान में अब थोड़ा सा चेंज है। कहना क्या चाहते हो, प्लान चेंज हो गया? मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में वापस कॉल करूंगा। उसने फोन काट दिया? उसकी इतनी हिम्मत? तुमने उसका फोन काट दिया? क्यों काटा फोन? हाँ, तुमने चुप हो जाओ ना, मैं अभी कोई फालतू सवालों के मूड में। अरे वाह, बहुत अच्छे दोस्तों, चलो हमारे जैक को थोड़ा सोचने का समय चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इससे पहले तुम एक आदमी को लटका दो जिससे हम सब फंस जाएं, उससे पहले तुम्हें एक बार हमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो नोआ? तुम पर चिल्ला रहा हूं। चिल्लाने से कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। हम इस मुसीबत में फंसते ही नहीं अगर तुम नहीं होते तो। तुम चुप ही हो जाओ। बस करो एडी लोवाटो। अरे वाह, बहुत अच्छे, तो इन सब के पीछे वो है जिसने ऐसा करवाया, उसे मुझसे क्या चाहिए? अब तुम लोग अच्छी तरह से मुझे हर बात का सीधा जवाब दो, या फिर तुम्हारे तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे? हाँ चुप हो जाओ, अब बस चुप ही रहना, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है। तुम चुप रहो, तुम खुद को शेर समझते हो, तुम एक चूहे हो। क्या? बस एक बार मेरे हाथ खोल दो, बताता हूँ तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो, बताता हूँ तुम्हें। इसे उठाकर मारूंगा तुम्हें। चुप रहो, दिमाग मत खराब करो मेरा। हाँ ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कहाँ है वो। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया, बाय। किसका फोन था? एक लड़का है, मैंने कुछ महीने पहले उसके साथ काम किया था, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका कहना है कि इस वक्त हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम सब यहाँ से निकल जाएं, जल्द से जल्द। इसका क्या करेंगे? अगर ये जो कहता है वही है तो इसको वापस पाके वो लोग खुश हो जाएंगे। कार कहाँ पर है? पीछे पार्क्ड है। ठीक है, काम करो, मुझे चाबी। लेकिन एडी का क्या, उसकी भांजी का क्या होगा? भूल जाओ एडी और उसकी भांजी को, हम यहाँ से सीधा FBI जा रहे हैं और बात खत्म। बस खत्म, सब खत्म, मतलब हम यहाँ से सीधा जेल जाएंगे पता नहीं कितने समय के लिए, और जब हम बाहर निकलेंगे तो एडी हमें मार डालेगा या फिर हम जेल में मारे जाएंगे। हमारे दोस्त ने हमें धोखा दिया। शुक्रिया जैक। नोआ ने कुछ गलत नहीं कहा, पुराने प्लान पर फोकस करते हैं। मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? हमें यहाँ से जाना होगा, ब्राइस मेरा साथ दो। तुम जानते हो ना एडी क्या कर सकता है। देखो यही एक आखिरी रास्ता है, मुझ पर भरोसा करो। मुझे गाड़ी की चाबी दो, कहा ना मुझे गाड़ी की चाबी दो। इसे चाबी दे दो, मैं गाड़ी को आगे लेकर आता हूं। ऑलराइट, यही सही है, मैं बस अभी आता हूं, सब तैयार रहना।
मेरा फोन काट दिया। मिस्टर लोवाटो, मेरा मतलब एरी, मैं बस आपको कॉल ही करने वाला था। हेलो मार्केस। शायद ये हमें देखकर खुश हो गया। तुम हम तक पहुंचे कैसे? क्या फर्क पड़ता है, खास बात यह है कि हम यहाँ पर आ गए। अच्छा काम किया तुमने, मुझे तुम पर नाज है। अब तुम्हें बस छोटा सा काम करना है, छोटा सा, और फिर खत्म, फिर तुम लोग आजाद। आपका मतलब सब कुछ खत्म? हाँ? बातचीत की कोई जरूरत नहीं, ये भी नहीं कि इस आदमी को तार से बांधा हुआ था जब हमने उसे उठाया? और तुम्हें ये सब पहले से पता था, है ना? जैक, जितना कम पता चले उतना ठीक। तुम चुप हो जाओ। जैक, नोआ सही कह रहा है, ये सब खत्म करो। क्या करना है? ओके, तुम सब लोगों को इसे गोली मारनी होगी। क्या? हाँ, अब तुम पूछोगे क्यों, तो मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। तो वन, मेरी भांजी अब वो सेफ है, मैं खुश हूं, ठीक है, पर मुझे मार्केस को जिंदा नहीं रखना। और टू, ये तुम्हारे और मेरी सुरक्षा के लिए है, ताकि तुम इस बारे में किसी को ना कह सको। यानी कि इसका खून करने के बाद तुम जिंदगी में कभी भी किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। एडी, से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानते हो कि हम अपना मुंह बंद ही रखेंगे। मुझे पता है कि तुम कभी कुछ नहीं कहोगे, पर मुझे भरोसा चाहिए। कमॉन, आसान है। तो बस अब ये तय करना है कि पहले कौन मारेगा। ये तुम आपस में तय कर लो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो चलें, कमॉन, जल्दी करो। नोआ, पहले तुम मारो। क्या? नोआ, पहले तुम मारो। मैं क्यों? वो तुम ही हो जिसकी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं। तो पहले तुम ही मारो। मैं नहीं मारूंगा। यही सही रहेगा कि तुम इसे पहले गोली मारो। नहीं चलाओगे? डरपोक कहीं के, तुम्हें पहले गोली चलानी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम इस सिचुएशन में फंसे हैं। हम हाई स्कूल में नहीं है कि तुम उस पर हुक्म चलाओगे। अगर तुमने पहले गोली नहीं चलाई तो सच कहता हूँ कि मैं तुम पर गोली चला दूंगा। क्या कर रहे हो? गन को नीचे रखो। क्या तुम्हें उसे मारना है ब्राइस? नोआ को जाने दो और गन नीचे रखो। चल हट। अगर तुमने उसे नहीं मारा मेरे तीन गिरने तक, तो कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं अब तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ। हाँ तुम हो, तुम मेरा खिलौना हो। नहीं, तुम हमेशा से मेरे खिलौने रहे हो। तुम देखना चाहते हो? एक, दो। मैं खिलौना नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया वैरन? ये मर गया, ये हमारे सामने मर गया वैरन। वैरन तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, सुनो दोस्तों, मेरे पास पूरी रात नहीं है। अगला कौन नहीं, है? हमें जाने दो मिस्टर लोवाटो। नोआ, बोलो। टेक्निकली वारन ने मार्कस को तीन गोली मारी, तो जैसा कि हम सब चार हैं, मैं सोच रहा था शायद अगर आप हम में से किसी एक की संभावना पर विचार करेंगे तो वो उसे गोली मार देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो बता दो अगली बारी किसकी है। चलो चलो, जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? तो तुम में से गन कौन उठा रहा है? वरना तुम में से कोई भी कल की सुबह नहीं देख पाएगा। हमारे पास पूरी रात नहीं है, कम ऑन। मार्कस, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ।
सुनो नोवा, मुझे लगता है उसके साथ तुम्हें भी फेंक देना चाहिए था, क्या कहते हो? सच में मुझे लगता है अगर वो मुझे थोड़ा बेहतर जानते तो वो अलग तरह से सोचते। माफ करिए, आपको ये सब करना पड़ा मिस्टर फ्लेमिंग। तो आज हमें इससे एक सीख मिली कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? इतने कम समय के नोटिस पर मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है आप व्यस्त आदमी हैं, इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। मेरा एक दोस्त एफबीआई में काम करता है, व्हाइट कॉलर क्राइम डिवीजन। अच्छा, कभी बिडेक्सको का नाम सुना है? फेडरल अधिकारियों के द्वारा एक स्टार्टअप फार्मास्यूटिकल कंपनी भारी निगरानी के तहत थी। और मेरे एक दोस्त को कॉफी का कप मिला, वो अपने कप में 6 चम्मच शक्कर डालता था और उसे गलत कप मिला, तो वो अपना मीठा कप लेने के लिए उस एजेंट के पास गया जिसका वो कप था, जो किसी इन्फॉर्मर के पास पूरे दिन काम करता था, अपने एसोसिएट के लिए दिन भर रिकॉर्डिंग करवाता था। अगर हमारा बिजनेस आगे बढ़ाना है तो अपना मुंह बंद रखो, समझे? पता है मुझे नींद क्यों नहीं आती? किसी भी विटनेस ने अब तक गवाही नहीं दी है। हम उसे विटनेस प्रोटेक्शन में रखेंगे ताकि हमें और वक्त मिले। तो जब कोई नहीं देख रहा तो तुम उसके सिर के पीछे गोली क्यों नहीं मारते? नोवा, तुम जानते हो ना, हम उनके बीच नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो लोग जिस आदमी के पीछे हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है, डिमेट्रियस फ्लेमिंग्स, DEA के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में बहुत लोकप्रिय है। अब जहां तक मैं जानता हूं, फ्लेमिंग के लिए पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका परिवार। जो भी मेरे भतीजे को ढूंढेगा उसे मैं $2,00,000 दूंगा। और इसीलिए मेरे पास ये है। मैं आपके लिए इसे चलाता हूं, उम्मीद है इसकी साउंड क्वालिटी आपको पसंद आएगी। अच्छा काम किया मार्कस, मैं तुम्हारे अंकल के चेहरे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जब वो अदालत में वापस खड़े होंगे। डिटेक्टिव, अगली बार जब इसे निकालना तो मेरी चमड़ी मत निकालना। और तब आप आते हो। हमें टायरोन की तलाश है, क्या तुम जानते हो टायरोन कहाँ है? एडी ने कहा था कि तुम्हारे पास उसका पता है। टायरोन मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। Nice work, Marquis. I can't wait to see your uncle's face when they're playing this back in court. Yeah, fuck you, detective. Next time, try taking this thing off without taking my fucking skill with it. जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा दिख रहा है। 1/3 मुझे मिलेगा, मेरे आर्मी वालों को मिलेगा। ये हुई ना बात। और आपको भी मिलेगा। मुझे पता है आपने हमेशा कहा है एक असफल योजना ही असफल होती है। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं कुछ अंतिम डिटेल्स पर काम कर रहा हूँ और मैंने खास करके सभी चरण को पार कर लिया है। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या लगता है अंकल एडी, ये पूरा प्लान तुमने खुद बनाया? बिल्कुल हाँ। ये तो कमाल है। हम कहते हैं कि मृत्यु का समय देखा नहीं जा सकता, और जब हम ये कहते हैं, हम उस समय की अस्पष्ट कल्पना करते हैं आने वाले भविष्य में। समय को कभी जाया मत करो, यहां केवल आज है। आओ वारन इसे करते हैं। मैं नहीं करने वाला, तुम्हें करना है तो करो। Hey girls, क्या चल रहा है? नहीं मेरे पास क्या रिकॉर्ड हो रहा है? Hey, मैं वापस आ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मैथ्यू। तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो निकलना है पाल। आज बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो अब खेल शुरू। तुम्हें पता है जैक, मैथ्यू और मैं, हम लोग हमेशा तुम्हें परेशान करने में लगे रहते थे। I'm sorry यार। और 22 दिन। वाह कमाल है। मैं 3 तक गिनूंगा, सब तैयार है ना? 1, 2, 3 Deep as the sea.
यो ऐसा लगता है कि हम अभी हाई स्कूल में हैं। अब कौन उसके साथ मजाक करना चाहेगा? मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को स्टॉक में डाल दिया। लगता है तुम्हारी सुबह बहुत बुरी हुई है। हाँ सही कह रहे हो। इसे और भी बुरा बनाने के लिए माफी चाहता हूँ। उस दूसरे मामले पर गौर करने के लिए आपने कहा था, सात भांजे हैं, सभी लड़के, कोई भांजी नहीं है। जब तक मेरी भांजी वापस नहीं आती तो मैं वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। कोई भांजी नहीं? कोई नहीं। तुम मुझे अब तक जानते नहीं हो दोस्त। आ जाओ। मुझे अब भी यकीन नहीं कि वो एक एक्सीडेंट था। मैथ्यू का मुझे फोन आया था, वो कह रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अच्छा तुम्हें कोई शादी के लिए लड़की मिली? हाँ मिली तो थी, और मैं उसके बारे में काफी सीरियस भी हो गया था। वैसे लोग सच्ची कहते हैं कि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना ही होता है। अब इसे देखो। गर्मी का मौसम आ गया दोस्तों। शुक्र है तुम आ गए। कोई आइसक्रीम लाने में इतनी देर लगाता है? हेलो बच्चे, इतने सालों मैंने तुम्हें फैमिली बिजनेस से दूर रखा क्योंकि मेरी बहन बस यही चाहती थी। उसे लगता था तुम में दिमाग और जिगर दोनों नहीं है, पर तुम तो लेकिन वो गलत थी। तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? शुक्रिया ऑफर के लिए, पर आप जानते हैं अंकल एडी, मैं एक लड़की से मिला और वो ये सबसे दूर जाना चाहती है। ठीक है, क्या ये उसकी गलती है? तुम मेरे पास आ सकते हो अगर वो तुम्हें छोड़ दे। ओके, यहाँ आओ, आ जाओ, तुम बहुत प्यारे हो। आप बढ़िया, चलो चलते हैं। अपना ध्यान रखना। Cold hand, take it.
taking my time, but I will stand and fight. No, you won't put me down, 'cause I will fight your fire, fire. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Reading by Robin Cotter, Toronto, Ontario, October 2006. The Adventures of Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle. Adventure number 3. A Case of Identity. "My dear fellow," said Sherlock Holmes, as we sat on either side of the fire in his lodgings at Baker Street, "life is infinitely stranger than anything which the mind of man could invent. We would not dare to conceive the things which are really mere commonplaces of existence. If we could fly out of that window hand in hand, hover over this great city, gently remove the roofs, and peep in at the queer things which are going on, the strange coincidences, the plannings, the cross-purposes, the wonderful chains of events working through generations and leading to the most outre results, it would make all fiction, with its conventionalities and foreseen conclusions, most stale and unprofitable." "And yet I am not convinced of it," I answered. "The cases which come to light in the papers are, as a rule, bald enough, and vulgar enough. We have in our police reports realism pushed to its extreme limits, and yet the result is, it must be confessed, neither fascinating nor artistic.
A certain selection and discretion must be used in producing a realistic effect, remarked Holmes. This is wanting in the police report, where more stress is laid, perhaps, upon the platitudes of the magistrate than upon the details, which to an observer contain the vital essence of the whole matter. Depend upon it, there is nothing so unnatural as the commonplace. I smiled and shook my head. I can quite understand your thinking so, I said. Of course, in your position of unofficial adviser and helper to everybody who is absolutely puzzled throughout three continents, you are brought in contact with all that is strange and bizarre. But here, I picked up the morning paper from the ground. Let us put it to a practical test. Here is the first heading upon which I come. A husband's cruelty to his wife. There is half a column of print, but I know without reading it that it is all perfectly familiar to me. There is, of course, the other woman, the drink, the push, the blow, the bruise, the sympathetic sister or landlady. The crudest of writers could invent nothing more crude. Indeed, your example is an unfortunate one for your argument, said Holmes, taking the paper and glancing his eye down it. This is the Dundas separation case, and, as it happens, I was engaged in clearing up some small points in connection with it. The husband was a teetotaler, and there was no other woman, and the conduct complained of was that he had drifted into the habit of winding up every meal by taking out his false teeth and hurling them at his wife, which, you will allow, is not an action likely to occur to the imagination of the average storyteller. Take a pinch of snuff, doctor, and acknowledge that I have scored over you in your example. He held out his snuff-box of old gold, with a great amethyst in the center of the lid. Its splendor was in such contrast to his homely ways and simple life that I could not help commenting upon it. Ah, said he, I forgot that I had not seen you for some weeks. It is a little souvenir from the King of Bohemia, in return for my assistance in the case of the Irene Adler papers. And the ring? I asked, glancing at a remarkable brilliant which sparkled upon his finger. It was from the reigning family of Holland, though the matter in which I served them was of such delicacy that I cannot confide it even to you, who have been good enough to chronicle one or two of my little problems. And have you any on hand just now? I asked with interest. Some 10 or 12, but none which present any feature of interest. They are important, you understand, without being interesting. Indeed, I have found that it is usually in unimportant matters that there is a field for the observation, and for the quick analysis of cause and effect which gives the charm to an investigation. The larger crimes are apt to be the simpler, for the bigger the crime, the more obvious, as a rule, is the motive. In these cases, save for one rather intricate matter which has been referred to me from Marseille, there is nothing which presents any features of interest. It is possible, however, that I may have something better before very many minutes are over, for this is one of my clients, or I am much mistaken. He had risen from his chair and was standing between the parted blinds, gazing down into the dull, neutral-tinted London street. Looking over his shoulder, I saw that on the pavement opposite there stood a large woman with a heavy fur boa round her neck, and a large curling red feather in a broad-brimmed hat, which was tilted in a coquettish Duchess of Devonshire fashion over her ear. From under this great panoply she peeped up in a nervous, hesitating fashion at our windows, while her body oscillated backward and forward, and her fingers fidgeted with her glove buttons. Suddenly, with a plunge, as of the swimmer who leaves the bank, she hurried across the road, and we heard the sharp clang of the bell. "I have seen those symptoms before," said Holmes, throwing his cigarette into the fire. "Oscillation upon the pavement always means an affaire de coeur. She would like advice, but she is not sure that the matter is not too delicate for communication. And yet, even here we may discriminate.
when a woman has been seriously wronged by a man she no longer oscillates, and the usual symptom is a broken bell wire. Here we may take it that there is a love matter, but that the maiden is not so much angry as perplexed or grieved. But here she comes in person to resolve our doubts. As he spoke, there was a tap at the door, and the boy in buttons entered to announce Miss Mary Sutherland, while the lady herself loomed behind his small black figure like a full-sailed merchantman behind a tiny pilot boat. Sherlock Holmes welcomed her with the easy courtesy for which he was remarkable, and, having closed the door and bowed her into an armchair, he looked her over in the minute and yet abstracted fashion which was peculiar to him. "Do you not find," he said, "that with your short sight it is a little trying to do so much typewriting?" "I did at first," she answered, "but now I know where the letters are without looking." Then, suddenly realizing the full purport of his words, she gave a violent start and looked up, with fear and astonishment upon her broad, good-humoured face. "You've heard about me, Mr. Holmes," she cried, "else how could you know all that?" "Never mind," said Holmes, laughing. "It is my business to know things. Perhaps I have trained myself to see what others overlook. If not, why should you come to consult me?" "I came to you, sir, because I heard of you from Mrs. Etheridge, whose husband you found so easy when the police and everyone had given him up for dead. Oh, Mr. Holmes, I wish you would do as much for me. I'm not rich, but still I have 100 a year in my own right, besides the little that I make by the machine, and I would give it all to know what has become of Mr. Hosmer Angel." "Why did you come away to consult me in such a hurry?" asked Sherlock Holmes, with his fingertips together and his eyes to the ceiling. Again a startled look came over the somewhat vacuous face of Miss Mary Sutherland. "Yes, I did bang out of the house," she said, "for it made me angry to see the easy way in which Mr. Windibank, that is my father, took it all. He would not go to the police, and he would not go to you, and so at last, as he would do nothing, and kept on saying that there was no harm done, it made me mad, and I just on with my things, and came right away to you." "Your father," said Holmes. "Your stepfather, surely, since the name is different." "Yes, my stepfather. I call him father, though it sounds funny, too, for he is only 5 years and 2 months older than myself." "And your mother is alive?" "Oh, yes, mother is alive and well. I wasn't best pleased, Mr. Holmes, when she married again, so soon after father's death, and a man who was nearly 15 years younger than herself. Father was a plumber in the Tottenham Court Road, and he left a tidy business behind him, which mother carried on with Mr. Hardy, the foreman. But when Mr. Windibank came he made her sell the business, for he was very superior, being a traveller in wines. They got £4,700 for the goodwill and interest, which wasn't near as much as father could have got if he had been alive." I had expected to see Sherlock Holmes impatient under this rambling and inconsequential narrative, but on the contrary he had listened with the greatest concentration of attention. "Your own little income," he asked, "does it come out of the business?" "Oh, no, sir, it is quite separate, and was left me by my Uncle Ned in Auckland. It is in New Zealand stock, paying 4.5%. £2,500 was the amount, but I can only touch the interest." "You interest me extremely," said Holmes, "and since you draw so large a sum as 100 a year, with what you earn into the bargain, you no doubt travel a little and indulge yourself in every way. I believe that a single lady can get on very nicely upon an income of about £60. "I could do with much less than that, Mr. Holmes, but you understand that as long as I live at home, I don't wish to be a burden to them, and so they have the use of the money just while I am staying with them. Of course, that is only just for the time. Mr. Windibank draws my interest every quarter,
and pays it over to Mother, and I find that I can do pretty well with what I earn at typewriting. It brings me 2 pence a sheet, and I can often do from 15 to 20 sheets in a day." "You have made your position very clear to me," said Holmes. "This is my friend, Dr. Watson, before whom you can speak as freely as before myself. Kindly tell us now all about your connection with Mr. Hosmer, Angel." A flush stole over Miss Sutherland's face, and she picked nervously at the fringe of her jacket. "I met him first at the gasfitter's ball," she said. "They used to send father tickets when he was alive, and then afterwards they remembered us and sent them to Mother. Mr. Windibank did not wish us to go. He never did wish us to go anywhere. He would get quite mad if I wanted so much as to join a Sunday school treat. But this time I was set on going, and I would go, for what right had he to prevent? He said the folk were not fit for us to know, when all father's friends were to be there. And he said that I had nothing fit to wear, when I had my purple plush that I had never so much as taken out of the drawer. At last, when nothing else would do, he went off to France upon the business of the firm, but we went, Mother and I, with Mr. Hardy, who used to be our foreman, and it was there I met Mr. Hosmer, Angel." "I suppose," said Holmes, "that when Mr. Windibank came back from France, he was very annoyed at your having gone to the ball." "Oh, well, he was very good about it. He laughed, I remembered, and shrugged his shoulders, and said there was no use denying anything to a woman, for she would have her way." "I see. Then at the gasfitter's ball you met, as I understand, a gentleman called Mr. Hosmer Angel?" "Yes, sir. I met him that night, and he called next day to ask if we had got home all safe, and after that we had met him, that is to say, Mr. Holmes, I met him twice for walks, but after that father came back again, and Mr. Hosmer Angel could not come to the house any more." "No?" "Well, you know father didn't like anything of the sort. He wouldn't have any visitors if he could help it, and he used to say that a woman should be happy in her own family circle. But then, as I used to say to mother, a woman wants her own circle to begin with, and I had not got mine yet." "But how about Mr. Hosmer Angel? Did he make no attempt to see you?" "Well, father was going off to France again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be safer and better not to see each other until he had gone. We could write in the meantime, and he used to write every day. I took the letters in the morning, so there was no need for father to know." "Were you engaged to the gentleman at this time?" "Oh, yes, Mr. Holmes. We were engaged after the first walk that we took. Hosmer, Mr. Angel, was a cashier in an office in Leadenhall Street, and..." "What office? That's the worst of it, Mr. Holmes. I don't know." "Where did he live, then?" "He slept on the premises." "And you don't know his address?" "No, except that it was Leadenhall Street." "Where did you address your letters, then?" "To the Leadenhall Street post office, to be left till called for. He said that if they were sent to the office, he would be chafed by all the other clerks about having letters from a lady, so I offered to typewrite them, like he did his, but he wouldn't have that, for he said that when I wrote them they seemed to come from me, but when they were typewritten, he always felt that the machine had come between us. That will just show you how fond he was of me, Mr. Holmes, and the little things that he would think of." "It was most suggestive," said Holmes. "It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important. Can you remember any other little things about Mr. Hosmer Angel?" "He was a very shy man, Mr. Holmes. He would rather walk with me in the evening than in the daylight, for he said that he hated to be conspicuous. Very retiring and gentlemanly he was. Even his voice was gentle. He'd had the quinsy and swollen glands when he was young, he told me, and it had left him with a weak throat and a hesitating, whispering fashion of speech. He was always well dressed, very neat and plain,
but his eyes were weak, just as mine are, and he wore tinted glasses against the glare. Well, and what happened when Mr. Windibank, your stepfather, returned to France? Mr. Hosmer Angel came to the house again, and proposed that we should marry before father came back. He was in dreadful earnest, and made me swear, with my hands on the testament, that whatever happened, I would always be true to him. Mother said he was quite right to make me swear, and that it was a sign of his passion. Mother was all in his favor from the first, and was even fonder of him than I was. Then, when they talked of marrying within the week, I began to ask about father, but they both said never to mind about father, but just to tell him afterwards, and mother said she would make it all right with him. I didn't quite like that, Mr. Holmes. It seemed funny that I should ask his leave, as he was only a few years older than me. But I didn't want to do anything on the sly, so I wrote to father at Bordeaux, where the company has its French offices, but the letter came back to me on the very morning of the wedding. It missed him, then? Yes, sir, for he had started to England just before it arrived. Ha! That was unfortunate. Your wedding was arranged, then, for the Friday. Was it to be in church? Yes, sir, but very quietly. It was to be at St. Saviour's, near King's Cross, and we were to have breakfast afterwards at the St. Pancras Hotel. Hosmer came for us in a hansom, but as there were two of us, he put us both into it and stepped himself into a four-wheeler, which happened to be the only other cab in the street. We got to the church first, and when the four-wheeler drove up, we waited for him to step out, but he never did, and when the cabman got down from the box and looked, there was no one there. The cabman said that he could not imagine what had become of him, for he had seen him get in with his own eyes. That was last Friday, Mr. Holmes, and I have never seen or heard anything since then to throw any light upon what became of him. It seems to me that you have been very shamefully treated, said Holmes. Oh, no, sir. He was too good and kind to leave me so. Why, all the morning he was saying to me that, whatever happened, I was to be true, and that even if something quite unforeseen occurred to separate us, I was always to remember that I was pledged to him, and that he would claim his pledge sooner or later. It seemed strange talk for a wedding morning, but what has happened since gives a meaning to it. Most certainly it does. Your own opinion is, then, that some unforeseen catastrophe has occurred to him? Yes, sir. I believe that he foresaw some danger, or else he would not have talked so. And then I think that what he foresaw happened. But you have no notion as to what it could have been. None. One more question. How did your mother take the matter? She was angry, and said that I was never to speak of the matter again. And your father? Did you tell him? Yes, and he seemed to think, with me, that something had happened, and that I should hear of Hosmer again. As he said, what interest could anyone have in bringing me to the doors of the church, and then leaving me? Now, if he had borrowed my money, or if he had married me and got my money settled on him, there might be some reason. But Hosmer was very independent about money, and never would look at a shilling of mine. And yet, what could have happened? And why could he not write? Oh, it drives me half mad to think of it, and I can't sleep a wink at night. She pulled a little handkerchief out of her muff, and began to sob heavily into it. I shall glance into the case for you, said Holmes, rising, and I have no doubt that we shall reach some definite result. Let the weight of the matter rest upon me now, and do not let your mind dwell upon it further. Above all, try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? You will leave that question in my hands. I should like an accurate description of him, and any letters of his which you can spare. I advertised for him in last Saturday's Chronicle, said she. Here is the slip, and here are four letters from him. Thank you,
And your address? 31 Lyon Place, Camberwell. Mr. Angel's address you never had, I understand. Where is your father's place of business? He travels for Westhouse and Marbank, the great claret importers of Fenchurch Street. Thank you. You have made your statement very clearly. You will leave the papers here, and remember the advice which I have given you. Let the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life. You are very kind, Mr. Holmes, but I cannot do that. I shall be true to Hosmer. He shall find me ready when he comes back. For all the preposterous hat and the vacuous face, there was something noble in the simple faith of our visitor which compelled our respect. She laid her little bundle of papers upon the table and went her way, with a promise to come again whenever she might be summoned. Sherlock Holmes sat silent for a few minutes, with his fingertips still pressed together, his legs stretched out in front of him, and his gaze directed upward to the ceiling. Then he took down from the rack the old and oily clay pipe, which was to him as a counselor, and, having lit it, he leaned back in his chair, with the thick blue cloud wreaths spinning up from him, and a look of infinite languor upon his face. "Quite an interesting study, that maiden," he observed. "I found her more interesting than her little problem, which, by the way, is rather a trite one. You will find parallel cases, if you consult my index, in Andover in 77. And there was something of the sort at The Hague last year. Old as is the idea, however, there were one or two details which were new to me, but the maiden herself was most instructive. You appear to read a good deal upon her, which was quite invisible to me," I remarked. "Not invisible, but unnoticed, Watson. You did not know where to look, and so you missed all that was important. I can never bring you to realize the importance of sleeves, the suggestiveness of thumbnails, or the great issues that may hang from a bootlace. Now, what did you gather from that woman's appearance? Describe it." "Well, she had a slate-colored, broad-brimmed straw hat, with a feather of a brickish red. Her jacket was black, with black beads sewn upon it, and a fringe of little black jet ornaments. Her dress was brown, rather darker than coffee color, with a little purple plush at the neck and sleeves. Her gloves were grayish, and were worn through at the right forefinger. Her boots I didn't observe. She had small, round, hanging gold earrings, and a general air of being fairly well-to-do in a vulgar, comfortable, easy-going way." Sherlock Holmes clapped his hands softly together and chuckled. "Upon my word, Watson, you are coming along wonderfully. You have really done very well indeed. It is true that you have missed everything of importance, but you have hit upon the method, and you have a quick eye for color. Never trust to general impressions, my boy, but concentrate yourself upon details. My first glance is always at a woman's sleeve. In a man it is perhaps better first to take the knee of the trouser. As you observe, this woman had plush upon her sleeves, which is a most useful material for showing traces. The double line a little above the wrist, where the typewritist presses against the table, was beautifully defined. The sewing machine, of the hand type, leaves a similar mark, but only on the left arm, and on the right of it, farthest from the thumb, instead of being right across the broadest part, as this was. I then glanced at her face, and observing the dint of a pince-nez at either side of her nose, I ventured a remark upon short sight and typewriting, which seemed to surprise her. It surprised me. But surely it was obvious. I was then much surprised and interested on glancing down to observe that, though the boots which she was wearing were not unlike each other, they were really odd ones, the one having a slightly decorated toe-cap, and the other a plain one. One was buttoned only in the two lower buttons out of five, and the other at the first, third, and fifth. Now when you see that a young lady, otherwise neatly dressed,
has come away from home with odd boots, half buttoned, it is no great deduction to say that she came away in a hurry. "And what else?" I asked, keenly interested, as I always was, by my friend's incisive reasoning. I noted in passing that she had written a note before leaving home, but after being fully dressed. You observed that her right glove was torn at the forefinger, but you did not apparently see that both glove and finger were stained with violet ink. She had written in a hurry and dipped her pen too deep. It must have been this morning, or the mark would not remain clear upon the finger. All this is amusing, though rather elementary, but I must go back to business, Watson. Would you mind reading me the advertised description of Mr. Hosmer Angel? I held the little printed slip to the light. Missing, it said. On the morning of the 14th, a gentleman named Hosmer Angel, about 5 feet, 7 inches in height, strongly built, sallow complexion, black hair, a little bald in the center, bushy black side whiskers and mustache, tinted glasses, slight infirmity of speech, was dressed when last seen in black frock coat, faced with silk, black waistcoat, gold Albert chain, and gray Harris tweed trousers, with brown gaiters over elastic-sided boots, known to have been employed in an office in Leadenhall Street. Anybody bringing, that will do, said Holmes. As to the letters, he continued, glancing over them, they are very commonplace. Absolutely no clue in them to Mr. Angel, save that he quotes Balzac once. There is a remarkable point, however, which will no doubt strike you. They are typewritten, I remarked. Not only that, but the signature is typewritten. Look at the neat little Hosmer Angel at the bottom. There is a date, you see, but no superscription except Leadenhall Street, which is rather vague. The point about the signature is very suggestive. In fact, we may call it conclusive. Of what? My dear fellow, is it possible you do not see how strongly it bears upon the case? I cannot say that I do, unless it were that he wished to be able to deny his signature if an action for breach of promise were instituted. No, that was not the point. However, I shall write 2 letters which should settle the matter. One is to a firm in the city, the other is to the young lady's stepfather, Mr. Windibank, asking him whether he can meet us here at 6 o'clock tomorrow evening. It is just as well that we should do business with the male relatives. And now, Doctor, we can do nothing until the answers to those letters come, so we may put our little problem upon the shelf for the interim. I had had so many reasons to believe in my friend's subtle powers of reasoning and extraordinary energy in action, that I felt that he must have some solid grounds for the assured and easy demeanor with which he treated the singular mystery which he had been called upon to fathom. Once only had I known him to fail, in the case of the King of Bohemia and of the Irene Adler photograph. But when I looked back to the weird business of the Sign of 4 and the extraordinary circumstances connected with the study in scarlet, I felt that it would be a strange tangle indeed, which he could not unravel. I left him then, still puffing at his black clay pipe, with the conviction that when I came again on the next evening, I would find that he held in his hands all the clues which would lead up to the identity of the disappearing bridegroom of Miss Mary Sutherland. A professional case of great gravity was engaging my own attention at the time, and the whole of next day I was busy at the bedside of the sufferer. It was not until close upon 6 o'clock that I found myself free and was able to spring into a hansom and drive to Baker Street, half afraid that I might be too late to assist at the denouement of the little mystery. I found Sherlock Holmes alone, however, half asleep, with his long, thin form curled up in the recesses of his armchair, a formidable array of bottles and test tubes, with the pungent, cleanly smell of hydrochloric acid, told me that he had spent his day in the chemical work which was so dear to him. "Well, have you solved it?"
I asked as I entered. Yes, it was the bisulfate of baryta. No, no, the mystery, I cried. Oh, that! I thought of the salt that I have been working upon. There was never any mystery in the matter, though, as I said yesterday, some of the details are of interest. The only drawback is that there is no law, I fear, that can touch the scoundrel. Who was he, then, and what was his object in deserting Miss Sutherland? The question was hardly out of my mouth, and Holmes had not yet opened his lips to reply, when we heard a heavy footfall in the passage, and a tap at the door. "This is the girl's stepfather, Mr. James Windibank," said Holmes. "He has written to me to say that he would be here at 6. Come in." The man who entered was a sturdy, middle-sized fellow, some 30 years of age, clean-shaven and sallow-skinned, with a bland, insinuating manner, and a pair of wonderfully sharp and penetrating gray eyes. He shot a questioning glance at each of us, placed his shiny top hat upon the sideboard, and with a slight bow, sidled down into the nearest chair. "Good evening, Mr. James Windibank," said Holmes. "I think that this typewritten letter is from you, in which you made an appointment with me for 6 o'clock?" "Yes, sir. I am afraid that I am a little late, but I am not quite my own master, you know. I am sorry that Miss Sutherland has troubled you about this little matter, for I think it is far better not to wash linen of the sort in public. It was quite against my wishes that she came, but she is a very excitable, impulsive girl, as you may have noticed, and she is not easily controlled when she has made up her mind on a point. Of course, I did not mind you so much, as you are not connected with the official police, but it is not pleasant to have a family misfortune like this noised abroad. Besides, it is a useless expense, for how could you possibly find this Hosmer Angel?" "On the contrary," said Holmes quietly, "I have every reason to believe that I will succeed in discovering Mr. Hosmer Angel." Mr. Windibank gave a violent start and dropped his gloves. "I am delighted to hear it," he said. "It is a curious thing," remarked Holmes, "that a typewriter has really quite as much individuality as a man's handwriting. Unless they are quite new, no two of them write exactly alike. Some letters get more worn than others, and some wear only on one side. Now you remark in this note of yours, Mr. Windibank, that in every case there is some little slurring over of the E, and a slight defect in the tail of the R. There are 14 other characteristics, but those are the most obvious. We do all our correspondence with this machine at the office, and no doubt it is a little worn," our visitor answered, glancing keenly at Holmes with his bright little eyes. "And now I will show you what is really a very interesting study, Mr. Windibank," Holmes continued. "I think of writing another little monograph some of these days on the typewriter and its relation to crime. It is a subject to which I have devoted some little attention. I have here 4 letters which purport to come from the missing man. They are all typewritten. In each case, not only are the E's slurred and the R's tailless, but you will observe, if you care to use my magnifying lens, that the other 14 characteristics to which I have alluded are there as well." Mr. Windibank sprang out of his chair and picked up his hat. "I cannot waste time over this sort of fantastic talk, Mr. Holmes," he said. "If you can catch the man, catch him, and let me know when you have done it." "Certainly," said Holmes, stepping over and turning the key in the door. "I let you know, then, that I have caught him." "What? Where?" shouted Mr. Windibank, turning white to his lips and glancing about him like a rat in a trap. "Oh, it won't do, really it won't," said Holmes suavely. "There is no possible getting out of it, Mr. Windibank. It is quite too transparent, and it was a very bad compliment when you said that it was impossible for me to solve so simple a question." "That's right. Sit down and let us talk it over." Our visitor collapsed into a chair, with a ghastly face and a glitter of moisture on his brow. It's not actionable,"
he stammered. "I am very much afraid that it is not. But between ourselves, Windibank, it was as cruel and selfish and heartless a trick, in a petty way, as ever came before me. Now let me just run over the course of events, and you will contradict me if I go wrong." The man sat huddled up in his chair, with his head sunk upon his breast, like one who is utterly crushed. Holmes stuck his feet up on the corner of the mantelpiece, and, leaning back with his hands in his pockets, began talking, rather to himself, as it seemed, than to us. "The man married a woman, very much older than himself, for her money," said he, "and he enjoyed the use of the money of the daughter as long as she lived with them. It was a considerable sum for people in their position, and the loss of it would have made a serious difference. It was worth an effort to preserve it. The daughter was of a good, amiable disposition, but affectionate and warm-hearted in her ways, so that it was evident that with her fair personal advantages and her little income, she would not be allowed to remain single long. Now her marriage would mean, of course, the loss of 100 a year. So what does her stepfather do to prevent it? He takes the obvious course of keeping her at home and forbidding her to seek the company of people her own age. But soon he found that that would not answer forever. She became restive, insisted upon her rights, and finally announced her positive intention of going to a certain ball. What does her clever stepfather do then? He conceives an idea more creditable to his head than to his heart. With the connivance and assistance of his wife, he disguised himself, covered those keen eyes with tinted glasses, masked the face with a mustache and a pair of bushy whiskers, sunk that clear voice into an insinuating whisper, and doubly secure on account of the girl's short sight, he appears as Mr. Hosmer Angel, and keeps off other lovers by making love himself. "It was only a joke at first," groaned our visitor. "We never thought that she would have been so carried away." "Very likely not. However that may be, the young lady was very decidedly carried away, and, having quite made up her mind that her stepfather was in France, the suspicion of treachery never for an instant entered her mind. She was flattered by the gentleman's attentions, and the effect was increased by the loudly expressed admiration of her mother. Then Mr. Angel began to call, for it was obvious that the matter should be pushed as far as it would go if a real effect were to be produced. There were meetings and an engagement which would finally secure the girl's affections from turning towards anyone else. But the deception could not be kept up forever. These pretended journeys to France were rather cumbrous. The thing to do was clearly to bring the business to an end in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon the young lady's mind and prevent her from looking upon any other suitor for some time to come. Hence those vows of fidelity exacted upon a testament, and hence also the allusions to a possibility of something happening on the very morning of the wedding. James Windibank wished Miss Sutherland to be so bound to Hosmer Angel, and so uncertain as to his fate, that for 10 years to come, at any rate, she would not listen to another man. As far as the church door he brought her, and then, as he could go no farther, he conveniently vanished away by the old trick of stepping in at one door of a four-wheeler and out at the other. I think that was the chain of events, Mr. Windibank. Our visitor had recovered something of his assurance while Holmes had been talking, and he rose from his chair now with a cold sneer upon his pale face. "It may be so, or it may not, Mr. Holmes," said he. "But if you are so very sharp, you ought to be sharp enough to know that it is you who are breaking the law now, and not me. I have done nothing actionable from the first, but as long as you keep that door locked, you lay yourself open to an action for assault and illegal constraint." "The law cannot, as you say, touch you," said Holmes, unlocking and throwing open the door. "Yet there never was a man who deserved punishment more.
If the young lady has a brother or a friend, he ought to lay a whip across your shoulders. By Jove," he continued, flushing up at the sight of the bitter sneer upon the man's face, "it is not part of my duties to my client, but here's a hunting crop handy, and I think I shall just treat myself to—" He took two swift steps to the whip, but before he could grasp it, there was a wild clatter of steps upon the stairs. The heavy hall door banged, and from the window we could see Mr. James Windibank running at the top of his speed down the road. "There's a cold-blooded scoundrel," said Holmes, laughing, as he threw himself down into his chair once more. "That fellow will rise from crime to crime until he does something very bad and ends on a gallows. The case has, in some respects, been not entirely devoid of interest. I cannot now entirely see all the steps of your reasoning," I remarked. "Well, of course it was obvious from the first that this Mr. Hosmer Angel must have some strong object for his curious conduct, and it was equally clear that the only man who really profited by the incident, as far as we could see, was the stepfather. Then the fact that the two men were never together, but that the one always appeared when the other was away, was suggestive. So were the tinted spectacles and the curious voice, which both hinted at a disguise, as did the bushy whiskers. My suspicions were all confirmed by his peculiar action in typewriting his signature, which, of course, inferred that his handwriting was so familiar to her that she would recognize even the smallest sample of it. You see, all these isolated facts, together with many minor ones, all pointed in the same direction." "And how did you verify them?" "Having once spotted my man, it was easy to get corroboration. I knew the firm for which this man worked. Having taken the printed description, I eliminated everything from it which could be the result of a disguise, the whiskers, the glasses, the voice, and I sent it to the firm, with a request that they would inform me whether it answered to the description of any of their travelers. I had already noticed the peculiarities of the typewriter, and I wrote to the man himself at his business address, asking him if he would come here. As I expected, his reply was typewritten and revealed the same trivial but characteristic defects. The same post brought me a letter from Westhouse and Marbank of Fenchurch Street to say that the description tallied in every respect with that of their employee, James Windibank. Voilà tout. And Miss Sutherland? If I tell her, she will not believe me. You may remember the old Persian saying, 'There is danger for him who taketh the tiger cub, and danger also for whoso snatches a delusion from a woman.' There is as much sense in Hafiz as in Horace, and as much knowledge of the world." End of Adventure 3.